पता नहीं फिर क्या। अच्छा रेडियोग्राफिक मेथड हम कर रहे थे, और रेडियोग्राफिक मेथड में हमने बेसिकली ये देखा कि रेशो क्या आ रही है, किस तरीके से वो मैग्नीफाई कर रहे हैं, हमें ये पता चल गया तो हम उसकी इंस्टीट्यूशनल विड्थ जो है वो मेजर कर लिया। अब हमने दो सिनेरियो, दो सिचुएशंस जो है वो उसको असेस करना सीख लिया कि ये किस तरीके के साथ जो है वो इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तनाकन जॉनसन, या उससे पहले हम ये खत्म कर देते हैं, ये दोनों को जिनको मैंने बड़ा किया हुआ है ना मेरी स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड मोर कॉमनली डन। जो स्मॉल है स्टेनले और कर्बर मेथड और रेडियोग्राफिक मेथड, दे आर वेरी दे आर जस्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट कि ये भी प्रैक्टिस किया जाता है। अच्छा ये मेथड जो है वो किस पे बेस कर रहा है कि ये भी एक ग्राफ पे बेस कर रहा है, इस ग्राफ में क्या करते हैं जरा गौर से और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कास्ट से मेजर करते हैं, मेक इट क्लियर के मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल एंड लेटरल सेजर एक साइड की। पहले मेथड में मॉयर मेथड में आपने चारों मैंडिबुलर इंसाइजर को मेजर किया था, मेक इट क्लियर कि यहाँ पर आपने एक सेंट्रल इंसाइजर और एक लेटरल इंसाइजर की मेजर डिस्टल विड्थ को मेजर किया है। पहले ये मेजर किया, दूसरा आपने पेरियापिकल के साथ मेजर डिस्टल विड्थ मेजर कर ली फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर की, क्योंकि ज्यादा मसला किनाइन में आता था कि वो रोटेटेड है, वो अच्छे तरीके से असेस नहीं हुआ, उसके उसमें मसला आ गया। इसको हल करने के लिए ये उन्होंने तरीका निकाला स्टेनले और कर्बर का, इसमें उन्होंने मेजर डिस्टल विड्थ मेजर की फ्रॉम द वन सेंट्रल इंसाइजर एंड वन लेटरल इंसाइजर ऑफ द मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, और पेरियापिकल एक्सरे से मेजर डिस्टल विड्थ मेजर की 4 और 5 की। ठीक है, इन दोनों विड्थ को कंबाइन किया, किन दोनों विड्थ को, 1 और 2 की मेजर डिस्टल विड्थ को और रेडियोग्राफिक मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द 3 और 5 सॉरी 4 और 5 को, इसको मेजर किया और वो ग्राफ में इस जगह पे आ गया। ठीक है, ग्राफ में वो इस जगह पे वैल्यू आ गई 1 2 की क्लिनिकल विड्थ और 4 5 की क्लिनिकल विड्थ, इन चारों वैल्यूज को कंबाइन किया, चारों दांतों की मेजर डिस्टल विड्थ को कंबाइन किया तो यहाँ पे ग्राफ आ गया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली उन्होंने 3 4 5 की मेजर डिस्टल विड्थ को असेस किया। सिंपल ये मेथड है, कोई क्विकली रिपीट करेगा इसको, अनिला आप करें इसको बताएं। सर मैं पूरा सुन नहीं पाई, मेरा अभी कनेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। अच्छा मैं आपको दोबारा से आपके लिए रिपीट करता हूँ, ये जो स्टेनले और कर्बर मेथड है ना, ये बेस करता है कि लोअर इंसाइजर्स में किसी भी एक साइड की हम बात करते हैं, 1 और 2 की मेजरल विड्थ को मेजर किया क्लिनिकली और 4 और 5 की रेडियोग्राफिक विड्थ को मेजर किया और वो ग्राफ में नीचे आ गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ रही है 1 2 की विड्थ और जो है वो 1 2 की मेजर डिस्टल विड्थ और 4 और 5 की रेडियोग्राफिक विड्थ, इन चारों को हमने मेजर करके इधर ले आए। ठीक है, और 3 4 5 की मेजर डिस्टल विड्थ यहाँ पे आ रही है, उस इसके अकॉर्डिंगली आपने उसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना। समझ आई? क्यों दोबारा रिपीट करो? नहीं सर, ग्राफ से कैसे क्लियर करेंगे ये नहीं पता चला। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, हमने किया क्या कि हमने ये किया कि जब हम रेडियोग्राफिक मेथड के साथ असेस करते थे मेजर डिस्टल वेट को, तो हमें मसला आता था किनाइन के ऊपर, क्योंकि किनाइन रोटेटेड होता था, पेरियापिकल की फिल्म की पेरियापिकल का मसला होता था और उस पे उसमें मसले आ रहे थे। तो अब क्या किया उन्होंने कि एक ये भी एक जिस तरह मॉयर्स का प्रोबेबिलिटी टेबल था जो ग्राफ पे काम कर रहा था, ये भी इसी तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो है वो इसमें प्रिडिक्शन जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन ग्राफ। प्रिडिक्शन ग्राफ का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू 25 होगी तो दूसरी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, कि दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन ग्राफ। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट इसको अप्लाई, ये कैसे करते हैं, हमने क्या किया, मैं इधर से आपको बताता हूँ, हमने किया ये कि लोअर सेंट्रल इंसाइजर और लोअर लेटरल इंसाइजर की क्लिनिकल मेजर डिस्टल विड्थ को मेजर किया। ठीक है, स्टेप 1। फिर हमने
फोर और फाइव की रेडियोग्राफिक विड्थ को मेजर किया, दिस इज रेडियोग्राफिक विड्थ एंड दिस इज क्लिनिकल विड्थ। इन दोनों को कंबाइन किया, वन टू की क्लिनिकल विड्थ को और फोर फाइव की रेडियोग्राफिक विड्थ को, तो जो जवाब आया लेट से एक्स, वो हमने प्लेस कर दिया इस जगह के ऊपर। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई क्लिनिकल विड्थ ऑफ द सेंट्रल लैटरल, रेडियोग्राफिक विड्थ ऑफ द फोर एंड फाइव, और जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं दीज आर बेसिकली द कंबाइंड मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द फोर फाइव एंड थ्री, ये नाइन और ट्वेंटी की जो कंबाइंड मेजर डिस्टल विड्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी वाई एक्सिस पे। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। सर, ये जो वाई एक्सिस पे विड्थ आएगी ये कौन सी आएगी, क्लिनिकल या रेडियोग्राफिक? प्रिडिक्टेड विथ, प्रिडिक्टेड, क्योंकि ये तो देखो ना, ये तो हमारे पास है ही नहीं है, ये तो हमारे पास अरप्ट ही नहीं हुआ हुआ। हम दिस इज द एस्टिमेटेड विथ एज पर एग्जैक्टली आंसरिंग योर क्वेश्चन, दिस इज द एस्टिमेटेड विथ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं, वन और टू की मेजर डिस्टल विथ को मेजर किया क्लिनिकली, फोर और फाइव को मेजर किया रेडियोग्राफिकली, वो हमने वैल्यू को यूज करना है टू गेस्टिमेट या टू एस्टिमेट, गेस लगाने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए कि कंबाइंड मेजर डिस्टल विड्थ जो है थ्री फोर फाइव की कितनी होगी थ्रू दिस प्रिडिक्शन ग्राफ। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस मैथड। ठीक है, अगेन बिट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ इन द लास्ट I am going to tell you the most applied and the most universal method to do the mixture analysis, and one of the, my favorite one is the Tanaka and Johnson method. Very simple to do, और इसका सबसे अच्छी, बस सिंपल दो स्लाइड है इसमें। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ना आपको के स्टैनले कुबार की तरह आपको किसी प्रेडिक्शन ग्राफ की जरूरत है, ना मॉयर्स प्रोबेबिलिटी टेबल की तरह आपको किसी टेबल की जरूरत है, ना आपको बहुत ज्यादा हाई एंड गैजेट्स की जरूरत है। सिंपल कैलकुलेशन के साथ आप तनाका एंड जॉनसन मेथड को मैयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास कौन सा आर्मामेंटेरियम चाहिए होगा, एक स्टडी कास्ट चाहिए होगा। अच्छा, आप किताब या उसमें जब भी लिखेंगे तो स्टडी कास्ट लिखेंगे। हाउ एवर वेरी कॉमन सेंस सेज के लोअर सेंट्रल लैटरल साइज के मेजर डिस्टल विड्थ मेजर करने, आप क्लिनिकली भी बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। तो However, if वाइवा में अगर आप कहते हैं क्लिनिकली दैट मेक्स सेंस एज वेल, एग्जाम में भी लिखते हैं क्लिनिकली। हाउएवर कास्ट इज दी बुकिश वर्ड, के कास्ट होगा, एक गेज चाहिए होगा और बस। इसमें करना क्या है कि हमने ये मेजर करना है कि व्हाट इज द प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ द मैंडिबुलर केनाइन एंड प्रीमोलर। ठीक है, वो कैसे मेजर करेंगे, हम इसमें वही मेथड यूज करते हैं मैंडिबुलर इंसाइजर के मेजर डिस्टल विड्थ, सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजर्स। प्लीज नोट, सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजेस को दो पे डिवाइड किया, टू से डिवाइड किया और उसमें प्लस किया 11 को, तो वो एक साइड की प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ द थ्री फोर फाइव आ गई। नोट कीजिए इसको, स्पॉटलाइट में उसमें लेके आ रहा हूँ, उसमें आप नोट करें कि प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ द मैक्सिलरी केनाइन एंड प्रीमोलर जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजेस, सम ऑफ द चारों इंसाइजेस मैंडिबुलर इंसाइजेस को आपने सम किया, टू पे डिवाइड किया और उसमें 11 मेजर कर लिया। दिस इज द विड्थ ऑफ द थ्री फोर फाइव मैक्सिलरी टिप ऑफ। मैंडिबुलर में क्या डिफरेंस है कि सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजेस को मेजर किया, टू पे डिवाइड किया उसको और उसमें 10.5 ऐड कर लिया, तो वो आपको प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ द मैंडिबुलर केनाइन और प्रीमोलर आपको बता देगा। दैट्स इट। मैं रिपीट करता हूँ हाउ वी डू दिस। हमें क्या चाहिए, स्टडी कास्ट लिया या क्लिनिकली आपने मैंडिबुलर 4-1, 4-2, 3-1, 3-2 की मेजर डिस्टल विड्थ को सेपरेटली मेजर किया, उन दोनों को कंबाइन किया, तो हमारे पास ये सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजेस आ गया। ठीक है, उसको टू से डिवाइड किया, हाफ किया और अगर उसमें 11 मेजर करेंगे तो वो हमें बताएगा प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ द मैक्सिलरी केनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, उसमें 10.5 ऐड करते हैं तो वो हमें बताएगा कि व्हाट इज द प्रिडिक्टेड विड्थ ऑफ द मैक्सिलरी केनाइन एंड प्रीमोलर। ठीक है, तो ये हमें इससे पता चल जाएगा। अब हम वापस आते हैं उसी सिचुएशन से जहां से हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी तक हमने बात की कि
जस्ट अ मिनट, हमने बात की कि सिनेरियो से स्टार्ट हुए, लर्निंग आउटकम क्या है, मिक्स्ड इंटर्नशिप का बेसिक हमने इंट्रोडक्शन लिया, और अब हम डिफरेंट चारों मेथड्स को असेस किए। एक हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसको आपने अटेम्प्ट करना है तनाकन जॉनसन मेथड से। आप क्विकली अपने पास पेपर और कागज पेंसिल ले आइए, यू शुड हैव अ पेन एंड यू शुड हैव अ पेपर। मैं आपको 1 मिनट का पॉज देते हैं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, और उतनी देर में आप पेपर पेन ले लीजिए, फिर हम सिनेरियो सॉल्व करते हैं, इसी सिनेरियो पे वापस आ जाते हैं जिस सिनेरियो से हमने केस को स्टार्ट किया हुआ था। इसको हाइड कर देते हैं वक्ती तौर, पेपर पेन आपके पास हो जाए तो फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। इसकी मदर ने मुझसे सवाल पूछा था कि हमें जो है वो एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, 10 साल का बच्चा है, मैंने इस डेटा के क्वेश्चन को आंसर करना है विद द मिक्स्ड एंटिटी एनालिसिस। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर जब तक आप कागज पेन ले ले आते हैं। सर, हम हमेशा मैंडिबुलर इंसाइजर्स को ही क्यों अपना पॉइंट लेते हैं, हम मैक्सिलरी को अच्छा क्यों नहीं ले रहे? जी, मैंने उसकी वजह आपको स्टार्ट में बताई थी, उसकी वजह ये थी कि जो है वो ये इसका आंसर है कि मैंडिबुलर साइजेस में जो साइज की वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे पेग लेटरल जो है सो कॉमन इन 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 द पॉइंट इज दिस कि जो साइज ऑफ द म्यूजिस्टल विट है दिस इज मोर ऑफ अ जेनेटिकली डिटरमिंड, ठीक है। हाउएवर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस डू अफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द मैंडिबुलर टीथ ऑफ द डेंटिशन, लेकिन जो सबसे लीस्ट अफेक्टेड एरिया होता है साइज में वो रहता है लोअर मैंडिबुलर साइजेस, जल्दी अरेप्ट कर जाते हैं, इजिली एक्यूरेटली मेजरेबल होते हैं, और जो है वो अगर अपर का अगर हम करें तो पैक्लेटरल के में साइज वेरिएबिलिटी का डिफरेंस आता है, इस वजह से हम उसको वर्क करते हैं। ठीक है, और थैंक फिर यू सर। सेकंडली जो हम लोगों ने आप बता रहे हैं कि मैंडिबुलर इंसाइजर्स को हम लोग लेते हैं, उसमें 11 ऐड करते हैं तनाकन जॉनसन मेथड में, तो अपर आर्च करने के लिए, अब मैक्सिलरी के मैक्सिलरी लाइन के लिए 11 और मैंडिबुलर के लिए जो है वो जो है वो 10.5। मैं आपको सिनेरियो दूंगा ना, उस सिनेरियो को हम मिल्कर सॉल्व करेंगे और तनाकन जॉनसन से सॉल्व करेंगे। सबके पास आ गए पेपर किसी को पेन, स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि मैक्सिलरी के लिए भी हम मैंडिबुलर यूज करें, या इसकी वही रीजन है कि इनसाइजर्स? उसकी नहीं, उसकी रीजन ये है कि ये जो तराकन जॉनसन का जो वेरिएबल आया है ना 11 का, ये कैसे आया, इन्होंने बहुत सारे एडल्ट पेशेंट के डेंटिशन पे ये एनालिसिस की और उससे ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, लेट से कि ये तराकन जॉनसन डेवलप कैसे हुआ। मैं मिसाल आपको देने के लिए कह रहा हूँ कि 20 ईयर्स के पेशेंट को उन्होंने लोअर 1212 यानी कि 4142 3132 के मेजर डिस्ट्रल वेट को मेजर किया और ये एस्टिमेट किया कि इसी पेशेंट के 3 4 5 की मेजर डिस्ट्रल वेट को सबसे करीबली कैच करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, उसमें क्या हम वैल्यूज ऐड करेंगे, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, कैसे उसमें ऐड करेंगे तो हम क्लोजली उस तक पहुंच जाएंगे। तो ये वर्ड 11 और 10.5 जो है ये डेवलप हुआ। गॉट इट? पेपर पेन आ गया आप लोगों के पास, मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, करते। कर ले। अब सिचुएशन ये है कि 10 साल की मदर मुझसे सवाल पूछ रही है कि लोअर आर्च में एक्सट्रैक्शन करनी हो या नहीं करनी होगी। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि फर्स्ट मोलर के मेसियल कांटेक्ट पॉइंट से फर्स्ट दूसरे साइड के लेफ्ट राइट साइड के फर्स्ट मेरे के मेसियल कांटेक्ट पॉइंट तक स्पेस अवेलेबल मेजर की विद द हेल्प ऑफ द ब्रास वायर ऑन द मॉडल। ये मेरे पास स्पेस अवेलेबल आ गई, सो स्पेस अवेलेबल जो आई मेरे पास आई 65 मिलीमीटर, ठीक है, दिस इज आई कैन से आर्च पेरीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेजर डिस्टल विड्थ मेजर की और मैंने ये मेजर किया कि हर इंसाइजर जो है वो 6 मिलीमीटर का है, तो कंबाइन मेजर डिस्टल विड्थ जो है वो मेरे पास आ गई 24 मिलीमीटर। सो इस केस में डाटा मेरे पास क्या है, मेरे पास आर्च पेरीमीटर आ गया यानी कि स्पेस अवेलेबल आ गई, मेरे पास स्पेस रिक्वायर्ड का मैंने रट्टा लगवाया था आप लोगों के सेंटेंस, मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ 10 टीथ फ्रॉम सेकंड प्री मोलर टू द सेकंड प्री मोलर इज बेसिकली द स्पेस रिक्वायर्ड, मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द 10 टीथ एंटीरियर 10 टीथ इज द स्पेस रिक्वायर्ड। तो उस 10 टीथ में हमारे पास चार तो अरप्टेड हैं जिनकी मेजर डिस्टल विड्थ 24 आ गए, 3 4 5 3 4 5 की हमने एक्चुअल मेजर डिस्टल विड्थ को मेजर करना है, दिस इज द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू।
आपको इसको सॉल्व करें, चारों मेथड्स में से किसी से भी कर सकते हैं। अब देखो ना, अब मसला आपके पास है ना, आपके पास मॉयर टेबल है वो आप नहीं कर सकते, स्टेनले क्रोबार वो इसलिए नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपके पास वो नहीं है। तो लेट्स मूव विद द तनाकन जॉनसन मेथड, आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसमें कैसे क्यों है। इसको कॉपी पेंसिल पे सॉल्व कर लें या मोबाइल पे सॉल्व कर लें। फोर्टी आप कर लें, फिर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन लेता हूँ। ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर जो आपने मल्टीप्लिकेशन बाय टू की है वो हम लोगों ने तो टोटल वो हमने इसलिए की है, मैं एक दफा ना ये इसी को मैं लिखा रहने देता हूँ, तराकन जो है जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग, ठीक है। ट्रैकन जॉनसन मेथड में क्या होता है, हम मेजर करते हैं मेजर डिस्टल वेट ऑफ द लोअर मैंडिबल इंसाइजर्स, कर ली उस मैंडिबल वेट को, मैंडिबल इंसाइजर्स के वेट को डोज 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आया ठीक है उसमें हमने ऐड किया 10.5। उस सिनेरियो पे वापस जाते हैं, स्पेस अवेलेबल थी 65 मिलीमीटर, ठीक है स्पेस अवेलेबल थी 65 मिलीमीटर, ठीक है। और मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द फोर इंसाइजेस कितनी थी, 24 मिलीमीटर। हम मैंडिबुलर आर्च का मेजर करना चाह रहे थे, यही मेजर करना चाह रहे थे ना, तो सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजेस कितनी थी, 24 मिलीमीटर। उसको हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 12 मिलीमीटर, ठीक है। 12 मिलीमीटर पे हमने 10.5 को ऐड किया, तो 12 और 10 सॉरी ये कितने हो गए, 22, ट्वेंटी सॉरी सॉरी गलत मैंने किया, टू पॉइंट 22.5। इसको ठहरो मैं रेज कर लूँ यहाँ से, ये हो गया 22.5, ठीक है। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 45, ठीक है 45 आ गया। अब 45 और 40 24 ऐड करें तो हो गया 69। इसका मतलब है मिलीमीटर, 69 मिलीमीटर इज द स्पेस रिक्वायर्ड। सर 45 के बाद क्या किया है? 45 में, 45 कैसे आया कि लेफ्ट और राइट साइड को हमने किया तो 45 आ गया, और 24 इज द मेजर डिस्टल वेट ऑफ द लोअर मैंडिबुलर इंसाइजस। ये जो 45 आया ये तो 45 है मेजर डिस्टल वेट ऑफ द 3, 4, 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 3, 4, 5 मेजर डिस्टल वेट ऑफ द बोथ साइड आया 45, और 24 जो है वो मेजर डिस्टल वेट ऑफ द इंसाइजर्स आया, इससे हमें निकला। आई रिपीट द सिचुएशन, हम वापस सिचुएशन पे जाते हैं फिर दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। सिचुएशन पे हम वापस जाते हैं, ये सिनेरियो था 10 इयर्स का बच्चा, आर्च पेरीमीटर मैंने मेजर की वो आई 65 मिलीमीटर, यानी कि स्पेस अवेलेबल, लोअर इंसाइजर्स की मेजर डिस्टल वेट जो थी वो है 24 मिलीमीटर। अब मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ तनाकन जॉनसन मेथड, ठीक है। तनाकन जॉनसन मेथड का क्या तरीका कार है कि आप जो है वो मैंडिबुलर इंसाइजस की मेजर डिस्टल विड्थ को 2 से डिवाइड करते हैं। मैंने मैंडिबुलर इंसाइजस की विड्थ को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 12, ठीक है। उस 12 के अंदर मैंने ऐड किया 10.5, 10.5 को ऐड किया, आंसर आया 22.5,
ये म्यूजोजस्टल बिट हमारे पास आ गई एक साइड की, ठीक है। बायलैटरली हमने मेजर करने के लिए दोनों साइड को किया, उसको टू से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये लेफ्ट और राइट साइड के दोनों की इकट्ठी आ गई, तो ये डबल करने पे हो गई 45। अब दिस 45 इज द म्यूजोजस्टल बिट ऑफ 3, 4 एंड 5 ऑफ बोथ द साइड्स। इसमें हमने ऐड किया क्योंकि हमने कहा था, हमने स्पेस रिक्वायर्ड को कैसे डिफाइन किया था, स्पेस रिक्वायर्ड को कैसे म्यूजियो डिफाइन किया था फातिमा फैज? डिस्ट्रिक्ट जो होती ऑफ सेकंड ऑफ प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर टू सेकंड प्रीमोलर, टेन टीथ, हाँ फ्रॉम टेन प्रीमोलर टू प्रीमोलर, तो उनकी जो कंबाइंड म्यूजियो डिस्ट्रिक्ट विड्थ होती है दैट इज द स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है। इस स्पेस रिक्वायर्ड में हमें 24 आ गए इंसाइजस, लोअर इंसाइजस की म्यूजियो विड्थ, 45 आ गया दोनों साइड के 3, 4, 5 के विड्थ, तो कंबाइन किया तो हो गया 69। अब स्पेस अवेलेबल कितनी थी? 65 मिलीमीटर। स्पेस 65 अवेलेबल से ज्यादा अगर स्पेस रिक्वायर्ड है तो व्हाट डज योर कॉमन सेंस से? क्राउडिंग होगी कि स्पेस? एक्सट्रैक्शन इज नीडेड, क्राउडिंग अच्छा, एक्सट्रैक्शन नीडेड है। जो एएमडीसी के स्टूडेंट हैं वो तो एक्सट्रैक्शन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया गया है कि अराउंड 4 मिलीमीटर तक की क्राउडिंग हो तो हम उसको नॉन एक्सट्रैक्शन डील करते हैं, 5 to 9 की हो तो हम उसको डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं कि एक्सपेंशन करें, स्पेस सुपरविजन करें, स्पेस गेन करें, वो करें। 10 mm से ज्यादा अगर क्राउडिंग का केस हो तो दैट इज एन एक्सट्रैक्शन केस। तो हमारे स्टूडेंट्स को तो ये पता है कि 4 mm तक की जो क्राउडिंग है दिस कैन बी डेल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी केस पे वापस आता हूँ, तो अगर हम इसमें लेट मेजियल शिफ्ट को कंट्रोल कर लें तो दिस कैन बी 4 mm ऑफ क्राउडिंग कैन बी डील विद दी विदाउट विदाउट द एक्सट्रैक्शन, नॉन एक्सट्रैक्शन बेसिस पे कर सकते हैं। हाउ एवर द ऑब्जेक्टिव वाज दिस कि हम इसको कैसे करें। ये सिनेरियो तो मैंने आपके साथ मिलके सॉल्व किया, लेट्स क्विकली गिव यू अनदर सिनेरियो। कागज पेंसिल आप निकाल लीजिए, मैं आपको सिनेरियो दो और आपको तनाकन जॉनसन के साथ ही ऐड कर लो। मैं तनाकन जॉनसन बोल देता हूँ आपके सामने ताकि आप उसको देख सकें। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ कि मेसियो डिस्टल बिट ऑफ द लोअर मैंडिबुलर इंसाइजर है 22 मिलीमीटर, ठीक है। 22 जो है वो है मेसियो डिस्टल बिट ऑफ द 4 मैंडिबुलर इंसाइजर्स, 4-1 ये इस 1-2, 1-2 इनकी जो कंबाइन मेसियो डिस्टल बिट आ रही है वो आ रही है 22 मिलीमीटर, और स्पेस अवेलेबल जो आ रही है वो है 70 मिलीमीटर स्पेस अवेलेबल जो है। इस सिचुएशन को आपको सॉल्व करना है और मैं बात कर रहा हूँ मैगजिला की, मैं मैगजिला की बात कर रहा हूँ। सर 66 mm, अच्छा इसमें ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना मैक्सिला की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे इस सिचुएशन में मैक्सिली सेंट्रल साइजर की मेजर डिस्टल विड्थ भी आपको बतानी पड़ेगी, जो कि मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से कि मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सिंपल के साथ स्टार्ट किया, मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसके जरा इंक्रीज कर रहा हूँ। 30 मिलीमीटर इज द मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द अपर 1-2, 1-2। पहले वाले सिचुएशन में सिनेरियो रिपीट करता हूँ, मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द लोअर 1-2, 1-2 लोअर इंसाइजस इज 22 मिलीमीटर, आर्च पेरीमीटर स्पेस अवेलेबल जो है वो अपर में 70 मिलीमीटर है, अपर आर्च की बात कर रहे हैं, और इंसाइजस की मैंडिबुलर विड्थ जो है अपर इंसाइजस की 30 मिलीमीटर आ रही है। इस सिचुएशन को आप सॉल्व करें और आपने ये इक्वेशन यूज करनी है ये वाली, इसको सॉल्व करना है। सर 70 आएगा, एक मिनट मैं खुद भी जरा इसको कर लूंगा, 66 जस्ट अ मिनट मैं खुद इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा।
जी आपने क्या आंसर दिया है मुझे बताओ? 70, 66, 65. मैंने आंसर 74 निकाले. लेट सी कि मैंने कैसे आंसर निकाले. मैंने 74 कैसे निकाले, अब जरा देखो इसको बच्चों. मैंने ये कहा कि सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजेस था 22. 22 को हमने डिवाइड किया 2 के ऊपर, आंसर आया 11. ठीक है, इस 11 में ये 11 जो फिक्स कोएफिशिएंट था उसको ऐड किया तो आंसर आया 22. ठीक है, 22 इज द मेजियो डिस्टल विड्थ ऑफ अपर 3, 4 एंड 5 ऑफ वन साइड. ये एक साइड की हो गई, ये आगे मेजियो डिस्टल विड्थ ऑफ द इंसाइजर्स और ये आगे दूसरे साइड के मेजियो डिस्टल विड्थ ऑफ द 3, 4 एंड 5. तो ये 22. तो 22 और 22 या आप दो से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे या आप इसको ऐसे भी कर सकते. ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट साइड का 22 हो गया और ये अपर का 30 आया. तो इसको जवाब करने से क्या आंसर आया? 64. तो इससे यानी इसमें हमने बस अपर का 30 ऐड करना है, यानी जो हमारा मैंडिबुलर का फॉर्मूला था वो सेम है लेकिन अपर जो आपने बताया, अपर की जो हमारे पास, आप ये गौर करें ना, देखो बेटा वो यहाँ पर आपको अपर की मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द इंसाइजर रिक्वायर्ड है स्पेस रिक्वायर्ड के लिए. स्पेस रिक्वायर्ड की क्या डेफिनेशन थी? व्होएवर यू आर स्पेस रिक्वायर्ड के मेजर डिस्टल डिस्टेंस ऑफ 13 मोलर. ठीक है, तो इसको हम ऐड करें, 22 + 22 = 44, 44 + 30 ये कितना बना? 74 ही बना. प्लीज करेक्ट मी. यस सर, 74. स्पेस रिक्वायर्ड है. प्लीज डिफाइन स्पेस रिक्वायर्ड क्विकली. स्पेस रिक्वायर्ड मेजर डिस्टल फ्रॉम सेकंड प्रीमोलर टू द अदर सेकंड प्रीमोलर. ठीक है, यहां पर अपर आर्च की बात थी ना. अपर आर्च बिल्कुल ठीक है. अपर आर्च में था तो अपर आर्च का जो मेजर डिस्टल विड्थ, वी अज्यूम के वो 30 थी. अच्छा, स्पेस अवेलेबल जो थी वो 70 थी. तो स्पेस अवेलेबल कम है, स्पेस रिक्वायर्ड सॉरी ज्यादा है. तो ये केस क्राउडिंग का होगा कि स्पेसिंग का होगा? मिनाहिल सी, स्पेसिंग का होगा बेटा. स्पेस रिक्वायर्ड ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्राउडिंग होगा. ठीक है, इसको खत्म करते हैं. एक ही मेथड आप जिंदगी भर प्रैक्टिस करना है. ये मुझे भी मेथड बहुत पसंद है, अलमुजैन के सब लोग इसी पे प्रैक्टिस करते हैं और क्विकली हम एक सिचुएशन और दोबारा से करते हैं. सर आप फाइनली पॉइंट रिपीट कर देंगे कि कितनी स्पेसिंग होती है तब वो हम लोग उसको डील कर सकते हैं कि ये क्राउडिंग का केस है जो आप बता रहे थे कि ये हमारी क्लास में ना पूरा लेक्चर लिया है डॉक्टर साथिया ने. ये आप यू मस्ट बी यूएमडीसी स्टूडेंट. हमने ना इसके ऊपर पूरी इन डेप्थ में डिटेल डिस्कशन है, वो पूरा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. वैसे ये है कि प्रॉफिट हम लोग पढ़ाते हैं उसमें 4 mm से कम की क्राउडिंग होते हैं तो वो नॉन एक्सट्रैक्शन केस होता है, 10 mm से ज्यादा की क्राउडिंग होते हैं तो वो एक्सट्रैक्शन केस होता है. हाउएवर डोंट पिक माय स्टेटमेंट, सो मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द डिसीजन. फॉर एग्जांपल मिडलाइन है, डेंटल वेलर प्रोट्रूजन है, सॉफ्ट टिश्यू मॉर्फोलॉजी है, लिप इनकॉम्पिटेंसी है, वर्टिकल है, उसकी एल्वियोलर हाउसिंग है, पेरिडोंटल स्टेटस है, नोज की मॉर्फोलॉजी है, लिप की थिकनेस थिननेस है. सो मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व टू मेक द डिसीजन फॉर द एक्सट्रैक्शन. ये एक जनरलाइज सा कॉन्सेप्ट है, जनरलाइज से प्रॉफिट की है वो है इसको डिफाइन करते हैं. हम उस टॉपिक छोड़ते हैं. हम आते हैं एक सिनेरियो के ऊपर. अब मैं आपको सिनेरियो फिर अपर आर्च का दे रहा हूँ क्योंकि अपर आर्च का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मेजियो डिस्टल विड्थ ऑफ द, अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, अब आपने मुझे एग्जैक्ट आंसर देना है. वो है 21 मैंडिबुलर आर्च के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर 1-2-1-2 टर्म. ठीक है, अब स्पेस अवेलेबल जो है वो है 70 mm और अपर आर्च कि 1-2-1-2 का जो साइज है, सेंट्रल साइजर लैटरल साइजर, सेंट्रल साइजर लैटरल साइजर, वो है 28 mm. इस सिनेरियो को आप इसे सॉल्व करें.
जीरो आंसर आ रहा, मतलब दोनों 70 हैं तो उन दोनों को माइनस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, 71 वाले हैंड रेज करें। अच्छा 71, मैंने भी आंसर निकाला है, 71 ही निकला मेरा भी आंसर, और 70 वाले हैंड रेज करें। अच्छा चले, मैंने भी जो आंसर निकाला है वो 71 इस निकले, डेफिनेटली मैं दोबारा इसको करते हैं, मिलकर अब इसको करते हैं। सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजर्स कितना था? 21। मैं इसको अटेम्प्ट करता चाहता हूँ, तो 21 आ गया। ये दो से डिवाइड किया, टू से डिवाइड किया उसको, तो आंसर क्या आया? 10.5 आ गया। अब 10.5 के अंदर हमने ऐड करना है 11 को, क्या आंसर आया? 21.5। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट साइड दोनों को आप कर रहे हैं, 43 आ गया। अब 43 में आपने क्या ऐड करना है? 28 ऐड किया, तो क्या आंसर आया? 71। ओके, तो 71 इज द स्पेस, बोलो अवेलेबल। ओके जी, आप बेटा किस सेंस में कहती है नम्रा, निम्रा, बख्श, आप इसको 71 को स्पेस अवेलेबल किस सेंस में कह रही हैं? फातिमा रदीम, आप भी इसको स्पेस अवेलेबल किस सेंस में कह रहे हैं 71 को? नहीं नहीं सर, मेरा आंसर स्पेस रिक्वायरी है, वो पहले का एंड्रॉइड था, वो पहले ही मेरा पहले से रेस। अच्छा चलो ठीक है, तो हमने ये कंसेंसस लिया कि जो मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द 10 एंटीरियर टीथ जो है, प्रीमोलर टू प्रीमोलर जो है, वो स्पेस रिक्वायर्ड होता है। स्पेस अवेलेबल क्या होता है कि मेसियल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट प्रोमिनेंट मोलर से दूसरी तरफ का जो आ रहा था, लाइक व्हाट के ये जो पिक्चर में था, वो स्पेस ये इस तरीके से था, दैट्स हाउ वी डू इट, यहाँ से दूसरी तरफ का ये स्पेस अवेलेबल था। और रिक्वायर्ड के लिए जो है वो हम मेजर करते हैं। मिक्स टेंशन एनालिसिस में क्या इशू होता है कि हमारे पास कुछ डाटा नहीं होता, लेट्स कंक्लूड द सेशन, और वो डाटा हम मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। देयर फोर डिफरेंट मेथड्स वी टॉक्ड अबाउट टुडे, वन ऑफ द वेरी कंफर्टेबल एंड इजीएस्ट मेथड्स द ताकन जॉनसन मोयर मेथड है, वो हम एक टेबल को यूज कर रहे थे जिसमें कि मेजर डिस्टल वेट ऑफ द लोअर इंसाइजर्स को के साथ से हमने प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मैच किया कि 3, 4, 5 की किसमें कितनी होगी, दैट वाज द मोयर मेथड। रेडियोग्राफिक मेथड वाज बेस्ड ऑन द कि हाउ मच इज द स्पेस वी कैन सी फ्रॉम द रेडियोग्राफ, देयर इज एन इशू ऑफ द रोटेशन, देयर इज द इशू ऑफ द मैग्निफिकेशन, दिस इशू ऑफ द मैग्निफिकेशन कैन बी गेस्टिमेटेड by this simple proportional relationship, and after the after this calculation we can know the actual width of the unerupted premolar by having the estimation of the scale of magnification or suppression. Stanley aur Kerber method kya tha? Ye method based jo hai wo kar raha tha ki humne lower 1-2 central incisor or lateral incisor plus radiographic 4 and 5 ko measure kiya और वो हमने इस ग्राफ में ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू गेस्टिमेट द कंबाइंड मेजर डिस्टल विड्थ ऑफ द 3 and 4 and 5। हे कम बैक टू तनाकन जॉनसन मेथड, ये हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि लोअर मैंडिबुलर इंसाइजर्स की विड्थ को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मैक्सिला की बात करें, याद रखिएगा मैक्सिला में इंसाइजर्स का साइज बड़ा होता है, तो इसमें आप बड़ी फिगर को ऊपर की तरफ रखेंगे। 11 इज फॉर मैक्सिला, 10.5 इज फॉर मैंडिबल, हाफ ऑफ द मेजर डिस्टल विड्थ। हाफ मैंने क्यों कहा कि हम इसको 2 से डिवाइड किया, सम ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजर्स को हमने 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसमें हमने 11 ऐड किया, वो हमें एक साइड का 3, 4 और 5 की मेजर डिस्टल विड्थ बता रहा है। ठीक है, अब उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड का पता चल जाएगा, और उसमें आप अगर तो लोअर का है
तो आप लोअर की इंसाइजर्स की विड्थ डाल देंगे, अपर का है तो अपर इंसाइजर्स की मेजर डिस्टल विड्थ ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस अवेलेबल मेजर करने के जो मेथड था वो हमने ब्रास मेथड के साथ असेस किया. सो नाउ कमिंग बैक टू द सिचुएशन, हमने 10 साल की एज में ये बता दिया कि इसमें 4 मिलीमीटर क्राउडिंग होगी जब ये बच्चा 13 साल का होगा. सो दिस सिचुएशन इज सॉल्व एंड वी कैन आंसर कंसीडरिंग द अदर अवेलेबल. आई कैन आंसर टू द मदर लाइक यस आई कैन ट्रीट योर सन्स विदाउट डूइंग द एक्सट्रैक्शन. दैट्स ऑल फॉर